हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टीवी फॉर यू। ये LSVN का एक कैमरा मैंने मंगवाया है, तो इसको अनबॉक्स करते हैं। LSVN के कैमरास की क्वालिटी और उनकी बिल्ड क्वालिटी, उनकी पैकिंग, सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ये आप वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने वीडियोस देखी हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस में जो चीज़ आई है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ। इनकी पैकिंग इतनी अच्छी होती है कि इनका कभी बॉक्स तक खराब नहीं हुआ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनका जो बॉक्स है वो कभी बॉक्स तक खराब नहीं हुआ। कैमरा तो बड़ी दूर की बात है। अभी फ्रेंड्स, ये मैंने वाईफाई कैमरे मंगवाए, इसमें एक कैमरा 30x जूम वाला और एक कैमरा 10x जूम वाला। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक प्रोटेक्शन आप देख रहे हैं कैमरे की, ये उन्होंने प्रोटेक्शन कैसे की हुई है कि उन्होंने बबर एयर यूज़ किया है, ख़ास तरह का ये बबर एयर है, इसमें चीज़ ख़राब नहीं होती। ये मैं इसको यहाँ से ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत बॉक्स डैमेज हुआ है, लेकिन वो किसी और वजह से हुआ है। ये आप देखिएगा, बेसिकली ये डुअल कैमरा और WL341 10x जूम के साथ है। ये कैमरे की स्पेक्स आप देख रहे हैं, इस कैमरे का जो मॉडल है बेसिकली मल्टी लेंस है। ये WL341 10x और ये 12 वोल्ट 2 एम्पीयर की इनक्लूडेड सप्लाई है इसमें। इसका पावर अडाप्टर अलहदा से होगा और ये उसके ऊपर लिखा हुआ है WL341, इसका मॉडल लिखा हुआ है। विजिबिलिटी ज़्यादा बेहतर हो जाए थोड़ी सी, मैंने इसको जगह चेंज की है। तो पहले इसको अनबॉक्स करेंगे और कैमरे का साइज़ देखेंगे। आप देखें इसकी पैकिंग, ऊपर वाला वो शायद भूल गए हैं दोबारा से रखना, ऊपर वाला पैकिंग नहीं है। इन कैमरे की ओवरऑल पैकिंग आपके सामने, ये ओरिजिनल वो पैकिंग है जो कंपनी ने की है। उसके बाद ये एक इसका पावर अडाप्टर है साथ। पावर अडाप्टर की जो केबल की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो इसको मैं ओपन करके देखता हूँ कि बेसिकली कैमरा है क्या उसके अंदर है। कैमरे के अंदर जनाब ये इसका मैनुअल है, वाईफाई स्मार्ट कैमरा है, RJ45 वाटर सीलर है, ये इसकी स्क्रूज है। फर्स्टली ये कैमरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस कैमरे के ऊपर एक होना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। और एक चीज़ ये भी है कि इसके ऊपर फ्रेंड्स उन्होंने इनके ऊपर लेंसेज के ऊपर प्रोटेक्शन लगाई, तो ये भी मिसिंग है, ये भी होनी चाहिए। इसके अलावा ये 10x जूम का कैमरा है, वेट इसका इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। जो कि ये इसके ब्रैकेट है जो वॉल के साथ हम लगाएंगे, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें बेसिकली एक रीसेट का बटन है, एक पावर का बटन है और एक इसमें NVR RJ45 का जैक है। तो कैमरे की कंडीशन बड़ी रफ सी लग रही है, प्रोटेक्शन ना होने की वजह से ये सारे मसले होते हैं। तो कंपनी को चाहिए था कि वो इसको अच्छे तरीके से पैक करके भेज दे, लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि उन्होंने इसको एक कवर के अंदर चाहिए था उनको भेजना, ताकि ये लेंजेस पे स्क्रैचेस ना हो। तो फ्रेंड्स, ये मैं कैमरे को ऑन करने लगा हूँ। ये फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक लाइट है ग्रीन कलर की, इसके ऊपर लाइट ऑन हो चुकी है।
और ये अभी शायद पैन टिल्ट करके चेक करेगा। मेगापिक्सल कंपनी ने लिखा हुआ है इसका, जो कैमरा 12 मेगापिक्सल। चार मेगापिक्सल का एक कैमरा है और इसके अंदर 3 कैमराज है, तो ये 12 मेगापिक्सल बनता है 6K। अभी ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया, तो कैमरा तो ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब इसको किसी टाइम कॉन्फ़िगर करके चेक करेंगे, ये LED ब्लिंक आ रही है। ये बेसिकली होता है तो वाटर प्रूफ है, लेकिन प्रोटेक्टिव कवर ज़रूर यूज़ करना चाहिए मेरे को। फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं कैमरे को, ये आज की वीडियो थी हमारी LSVN के कैमरे के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये इसके 2 एंटीनाज हैं और ये इसका LSVN का स्टैम्प। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। चलना फिर किसी नई वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। जैसे चाहूँगा अल्लाह हाफिज़।